हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे दो स्टॉक के बारे में जो स्टॉक आपके पास होगा और दोस्तों वो स्टॉक ने बहुत मतलब बुरा परफॉर्म किया है और ये भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको थोड़ा और भी अच्छा परफॉर्म नहीं करके दिखाएगा। वो कौन सा स्टॉक है दोस्तों? सबसे पहला स्टॉक जो आप देख रहे हो यहाँ पर दोस्तों, एक है टाटा मोटर, ठीक है, और एक है दोस्तों अशोक लेवलैंड। टाटा मोटर्स के सेल्स में डिक्रीज़ हुआ है दोस्तों 84% का, और अशोक लेवलैंड तो बहुत ज़्यादा गिर चुका है दोस्तों 90% का। मतलब आप समझ रहे हो दोस्तों, पूरा बिजनेस डाउन करने का क्षमता रखता है दोस्तों, पूरा बिजनेस डाउन करने का एबिलिटी रखता है, क्योंकि एक बहुत बड़ी गिरावट है। अगर हम यहाँ पर देख लेते हैं टाटा मोटर्स के बारे में, तो दोस्तों टाटा मोटर्स के यहाँ जो अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 67 रुपीज़ के आसपास, और इसका जो 52 वीक लो है दोस्तों 63 रुपीज़, मतलब ये अपने 52 वीक लो के आसपास ही चल रहा है, ठीक है। अगर 52 वीक हाई देखते हैं तो बहुत ज़्यादा है दोस्तों, 250 रुपीज़ के आसपास दोस्तों ये जो है रेंज में हाई बनाया है, और उसके बाद इसने तो बहुत डाउन लेवल को टच कर दिया है, और आज के डेट में भी दोस्तों 4% का नेगेटिव परफॉर्म करके दिखाया है। अगर हम टाटा मोटर्स के किसी भी चीज़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, या यहाँ पर मैं आपको डेटा दिखा देता हूँ, तो देख सकते हैं दोस्तों मैनेजमेंट इफिशेंसी कितना है टाटा मोटर में। तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, रिटर्न ऑन इक्विटी नेगेटिव है, ठीक है, रिटर्न ऑन असेट वो भी नेगेटिव है, रिटर्न ऑन कैपिटल नॉर्मल है, ठीक है। उसके बाद हम देख सकते हैं ग्रोस प्रॉफिट, तो दोस्तों वो भी खास नहीं है, एकदम बिल्कुल ना के बराबर है, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो दोस्तों इसके पास वो भी कुछ नहीं है। अगर हम नीचे भी देख लेते हैं तो दोस्तों पूरा बिजनेस का मैनेजमेंट में पूरा प्रॉब्लम ही चल रहा है। यहाँ पर देख लो, अगर नेट प्रॉफिट देखते हैं, नेट प्रॉफिट देख लेते हैं, तो दोस्तों वो भी नेगेटिव में ही चल रहा है, ठीक है। क्विक रेशियो हो गया, कुछ भी हो गया दोस्तों, अगर डेप्थ देखें तो थोड़ी बहुत उसमें भी प्रॉब्लम है। तो मुझे लगता है दोस्तों, कंपनी को थोड़ा अप आने में और दोस्तों सर्वाइव करने में इस सिचुएशन में थोड़ा टाइम लग जाएगा। अगर हम क्वार्टर रिजल्ट की अगर बात कर लेते हैं, तो दोस्तों मुझे लगता है कि बहुत मतलब कि अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा दोस्तों। इसका रिजल्ट में मुझे लगता है कि आपको 50% की गिरावट देखने को मिल सकती है, तो इस स्टॉक से आपको दूर रहना है। और कुछ लोगों ने खरीदारी किया है तो उसको कौन से प्राइस पर निकलना है दोस्तों, ये स्टॉक आपको 90 का लेवल दिखा सकता है, 90 या 100 के लेवल आपको जल्दी दिखा सकता है। अगर कोरोना वायरस से आपको रिलीफ मिलता है तो दोस्तों 100 के आसपास जल्दी मिलेगा। और दोस्तों अगर आप सोच रहे हो कि कब इसमें से प्रॉफिट बुक करके निकलना है, तो दोस्तों मेरे हिसाब से आपको 100 और 150 के आसपास जो है आपको प्रॉफिट लेके निकलना है, ठीक है, ये रेंज में अगर आप निकलना चाहते हो तो। लेकिन अभी निकलने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो होना था वो हो चुका है, आज के डेट में भी गिरावट हो चुकी है। तो देखिए अब जो भी हो रहा है दोस्तों, अपना धीरे धीरे अच्छा परफॉर्म करने के लिए कोशिश करेगा। और अशोक लेवलैंड में तो दोस्तों आपको 90% की गिरावट देखी गई है, जो कि बहुत ख़राब है, ठीक है। इतना ज़्यादा गिरावट नहीं होना चाहिए था, 90% का गिरावट है, मतलब दोस्तों ये बिज़नेस शटडाउन कर सकता है। ऐसा होगा नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट है, मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ, अगर आप कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो या चला रहे हो, अगर आपके बिज़नेस में 90% की गिरावट हो रही है सेल्स में, ठीक है, विथआउट सेल्स नथिंग इज़ सर्वाइवल दोस्तों, ये वॉरेन बफेट ने बताया है। और ये कंपनी में सेल्स नहीं हो रहा तो गिरावट होने का ज़्यादा चांसेस है। ऐसा बात नहीं कंपनी सेल नहीं कर पा रहा, नहीं, सिचुएशन टाइम और जो सीजनल प्रॉब्लम है उसकी वजह से कंपनी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा। अगर हम इसका क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ज़्यादा हेवी नुकसान हुआ है क्वार्टरली रिजल्ट में। ये देख लीजिए, ये है इसका क्वार्टरली रिजल्ट दोस्तों, एक मिनट, ये देख लीजिए, ये है क्वार्टरली रिजल्ट, ये रेंज में आपको क्वार्टरली दिखाएगा, इसमें आपको 1 ईयर का रिजल्ट दिखाएगा, ठीक है। तो हम चेक कर लेते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम क्वार्टरली रिजल्ट का नेट प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं, तो यहाँ पर आपको केवल 3 महीने के अंदर 40% का नुकसान हुआ है, और यहाँ पर अगर देखते हैं 1 ईयर के अंदर, तो इसको 100% के आसपास जो है, मतलब बहुत बड़ी नुकसान है दोस्तों, 93% का नुकसान बहुत बड़ा होता है। तो मुझे लगता है इसको अशोक लेवलैंड को सर्वाइव करने में और थोड़ा ऊपर आने में थोड़ा वक्त लग जाएगा, और क्योंकि अभी कुछ भी सही नहीं है, अभी भी लॉकडाउन जारी है, अभी 15 डेज़ है अभी भी, तो मुझे लगता है कि स्टॉक परफॉर्म करने में थोड़ा सा टाइम लेगा, क्योंकि उसके बाद ही कुछ ना कुछ देखा जाएगा। और एक चीज़, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि सोच रहे हैं किस प्राइस पर निकलना है और अब क्या करना चाहिए, निकल जाना चाहिए, तो नहीं, अगर आप निकलना चाहते हो और आपने मान लीजिए 70 रुपीज़ के आसपास या 80 रुपीज़ के आसपास अगर आपने ख़रीदारी किया है, तो मेरे ख्याल से लगता है कि दोस्तों ये स्टॉक आपको 55 रुपीज़ के आसपास जाते हुए
जल्दी मिलेगा, ठीक है। और आप सोच रहे हो कि ये स्टॉक ज़्यादा हाईएस्ट कहाँ जा सकता है, तो दोस्तों ये 60 रुपीज़ के आसपास जा सकता है, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते हम, ठीक है। तो दोस्तों ये 60 रुपीज़ के आसपास जा सकता है, बिटवीन 50 रुपीज़ टू 60 रुपीज़, ठीक है। यही रेंज में आपको अपना प्रॉफिट भी बुक करना है, अभी आप नहीं निकलना है। और कुछ लोग ऐसे भी सोच रहे हैं एवरेज क्या कब करना है, तो दोस्तों मुझे लगता है 35 रुपीज़ के आसपास आएगा, तो आप वहाँ पर अपना एवरेज कर सकते हो। और एवरेज करने के बाद जब ये रेंज आएगा दोस्तों 50 रुपीज़ टू 60 रुपीज़, तो यहाँ पर आप अपना जो है एवरेज करने के बाद निकल जाएगा। और उसके बाद जो आगे जैसा देखा जाएगा दोस्तों, वहाँ पर मैं आपको कंटिन्यू वीडियो बना के आपको बता दूंगा, ठीक है। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आने वाला अपडेट आपसे भूल ना जाए या आप वीडियो छूट ना जाए, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके इंक्रेज कीजिएगा। फिर मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में।